नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैविटेशन के बारे में और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि लोग YouTube वीडियो पे मेरे YouTube वीडियो पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर पम्प्स के बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। कैविटेशन के बारे में और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, इसलिए मैं सोचा था कि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी कंटिन्यूसली लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैं एक वीडियो बना के वीडियो लेके आया हूँ। इसमें ज़रूर यह है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने को मिलेगा जो किताबों में लिखा होता है, इसके अलावा जो हम लोग एक्चुअली फील करते हैं प्लांट में, सेंट्रिफ्यूगल पंप्स में, वो सब चीज़ें भी समझने में आ जाएगी। अब कैविटेशन को समझने के लिए ये देखिए, ये हमारा एक वेपर प्रेशर कर्व है किसी भी लिक्विड के लिए। ये तो हमको पता ही कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कर्व मोडरलेस इसी तरह से होता है कि यानी जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उसी तरह वेपर प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन होता है। वेपर टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने से वेपर प्रेशर घट जाता है। तो इस जो ये जो कर्व है, इस कर्व में इस पार्ट इधर लिक्विड फेज है, इधर वेपर फेज है। तो अगर कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे, अगर हमको इसको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि उसका एट फिक्स प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊँ, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाने पे इस पॉइंट पे आने के बाद लिक्विड जो है वो वेपराइज हो जाता है, यानी बॉयलिंग होने लगता है लिक्विड का। और इस टेम्परेचर को, ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स्ड प्रेशर पे, ये प्रेशर देखिए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट प्रेशर पे इस लिक्विड को मैं गर्म करते गया तो लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगेगा और वापस फिर पूरा वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इस वेपर को वापस मैं टेम्परेचर कम करने लगूँ तो ये क्या है, इस पॉइंट पर आ करके लिक्विड जो है वो वापस वेपर जो है वापस कंडेंस हो जाएगा। इस प्रोसेस को जो वेपर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये तो हम लोग नॉर्मली समझते ही हैं कि कोई भी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाने से वो बॉयल होने लगता है। लेकिन लिक्विड को बॉयल करने का एक ही ऑप्शन नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, लिक्विड को हम लोग प्रेशर कम करके भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर के केस में अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम गर्म करते हैं तो वाटर बॉयल होने लगता है, लेकिन उसी वाटर को हम रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल कर सकते हैं, बस वाटर का प्रेशर कम करते जाइए। मान लीजिए किसी बर्तन में वाटर है और उसको हम अगर उस पे उसके ऊपर वैक्यूम पंप लगा करके उसका प्रेशर कम करते जाएँ तो बहुत लो प्रेशर होने पर बिना हीटिंग के वाटर बॉयल होने लगता है। इसको इस ग्राफ से भी समझा जा सकता है। अगर इस लिक्विड को मुझे वेपर फेज में कन्वर्ट करना है तो हम प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ा के कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह कोई भी लिक्विड को हम प्रेशर कम करके भी बॉयल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो लिक्विड है इसका जो जिस पॉइंट पे प्रेशर कम करने से बॉयल होता जा रहा है, ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड का एक प्रेशर होता है किसी गिवन टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर पे है, कि उस प्रेशर से नीचे अगर लिक्विड का प्रेशर किया जाएगा तो वो लिक्विड बॉयल होने लगेगा, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस लिक्विड को हमने प्रेशर कम करके बॉयल करा दिया, अब और फर्दर प्रेशर कम करेंगे तो पूरा वेपर फेज में आ जाएगा, ठीक है। अब वेपर फेज में, अब अगर मान लीजिए इसको वापस लिक्विड फेज में ले जाना है और मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे इस पॉइंट पे वेपर वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वेपर से लिक्विड फेज में जो कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेपर बबल्स होता है ना, वो जब प्रेशर बढ़ता रहता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वेपर बबल्स कोलैप्स करते हैं, ठीक है। और जब कोलैप्स होकर के जब वेपर बबल्स वापस लिक्विड फेज में जो कन्वर्ट करते हैं ना, यही बेसिस है कैविटेशन का। समझते हैं कैसे इसको। तो अभी तो इस पॉइंट तक तो यही समझ में आया है कि लिक्विड जो है, लिक्विड का अभी ये जो टेम्परेचर बढ़ने वाला, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। प्रेशर के कारण जो लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है वही मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है कैविटेशन को समझने के लिए। तो इसका इसमें क्या है कि लिक्विड जो है, लिक्विड को अगर लिक्विड का प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर जिसको वेपर प्रेशर भी बोलते हैं उससे अगर कम कर दिया जाए तो लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट वन। इसको हम लोग जस्ट फ्लैशिंग बोलते हैं, ये कैविटेशन नहीं है। अगर वो लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, वापस उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो जब वेपर लिक्विड फेज में वापस कन्वर्ट बैक होगा ना, तो जो वेपर जो है वो जो कोलैप्स होता है, इम्प्लोड होकर के वापस लिक्विड फेज में आता है ना, वो एक बहुत ही खतरनाक फेनोमेना है। और ये दोनों प्रोसेस को मिला करके जो फेनोमेना होता है उसको कैविटेशन बोलते हैं।
समझते हैं कि कैसे ये खतरनाक फेनोमेना है, अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी किसी भी इक्विपमेंट में लिक्विड का जो प्रेशर है एक टाइम पे घट गया, वेपर प्रेशर से कम हो गया, ठीक है, तो लिक्विड जो है वेपराइज हो जाएगा, फ्लैश हो गया। अब वापस उसी इक्विपमेंट में प्रेशर बढ़ गया जिसके कारण वेपर बबल जो है वापस कन्वर्ट हो गया लिक्विड फेज में, तो कैविटेशन होगा। वेपर बबल फॉर्मेशंस एंड वापस कन्वर्ट बैक टू लिक्विड, ये होना चाहिए, तब कैविटेशन होगा। तो ये तो देखिए कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर ओरिफिस प्लेट लगा दिए किसी लाइन में, तो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो एरिया कम होने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाता है, प्रेशर जो है वो घट जाता है, तो वहाँ पे वेपर फॉर्मेशन हो सकता है। फिर आगे जाने पे वापस एरिया बढ़ जाता है तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी घट जाएगा, तो फिर वापस वेपर बबल जो फॉर्म हुआ वो वापस वेपर बबल इम्प्लोड होकर के लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैविटेशन हो सकता है। उसी तरह मान लीजिए कोई कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व में देखिए ये लिक्विड का जो फ्लो होता है वो एक बहुत ही छोटा पतला सा ओरिफिस है, ओपनिंग डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग, अगर यहाँ पे ये ओरिफिस है तो इसी रास्ते से इसको जाना है, तो ये जो बहुत ही पतला एरिया में वहाँ पे वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पे वेपर बबल फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेशर बहुत ही कम होता है वहाँ पे। अब फिर आगे डाउन द लाइन जो है वो प्रेशर बढ़ सकता है, वापस वेपर बबल जो है कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड फेज में, तो यहाँ पे भी कैविटेशन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो शक्ति इनलेट साइड में प्रेशर है वही डाउन साइड में प्रेशर अचीव हो ही जाए, क्योंकि कोई भी कंट्रोल वाल्व है ये सब में एक कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो डाउन साइड में प्रेशर जो है, इस साइड अगर इनलेट प्रेशर है तो आउट में जो प्रेशर है स्टडी होने के बाद भी प्रेशर इनलेट से तो बहुत ही कम रहता है, तो हो सकता है कि लिक्विड जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो और वेपर फेज में ही रह जाए, तो वो तो उसको हम लोग जस्ट फ्लैशिंग बोलते हैं, वो उतना डेट्रीमेंटल नहीं है। बट अगर यहाँ से जो प्रेशर कम हुआ फिर उससे बढ़ के थोड़ा आउटलेट के बराबर जो प्रेशर आएगा उसमें अगर वेपर बबल वापस कन्वर्ट बैक टू लिक्विड हो गया, ठीक है, तो जब यहाँ पे वेपर इम्प्लोड होकर के लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा ना, वो बहुत ही ड्रास्टिक फेनोमेना होगा, तब उसको कैविटेशन बोलेंगे। तो हम लोग का अभी एरिया ऑफ कंसर्न ये सब नहीं है, कंट्रोल वाल्व में कैसे कैविटेशन होता है, फ्लोमीटर्स में कैसे कैविटेशन होता है, या फिर समुद्र के नीचे अगर कोई जहाज चल रहा है उसके अंदर जो पंखे चलते हैं वहाँ पे वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो कैविटेशन होता है वो कैसे होता है, ये सब चीज़ हमारे एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। अभी हम ये बात करने वाले कैविटेशन जो है वो पंप्स में कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो पंप्स में जो कैविटेशन होता है ना, पंप्स में कैविटेशन होता है उसको समझने के लिए हम पहले प्रेशर प्रोफाइल समझ लेते हैं कि कैसे प्रेशर जो है पंप्स के डिफरेंट पोजीशन में वैरी करता है, तब हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे लोअर प्रेशर होगा जहाँ पे वेपर फॉर्मेशन के चांसेज हैं और वो वापस वेपर बबल्स जो है वापस लिक्विड फेज में कहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, अब यहाँ पे ये देखिए ये जो सक्शन वाल्व है उसके बाद स्ट्रेनर होता है, ये आपका यहाँ पे सक्शन प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये लिक्विड जो है ये इंपेलर के थ्रू जाता है, तो इंपेलर में जहाँ पे लिक्विड इन होता है उसको हम लोग आई बोलते हैं। जैसे ये देखिए ये इंपेलर है, ये तो आपका शाफ्ट हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया और ये आपका आई हो गया, तो ये आपका आई है जहाँ पे लिक्विड इन कर रहा है। देखिए कोई भी इंपेलर होगा ना, तो उसको जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट पे टिके रहने के लिए जो इंपेलर है इसके ऊपर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे इंपेलर है, तो इंपेलर सपोज कीजिए इतना मोटा है, तो शाफ्ट के ऊपर जहाँ पे टिका हुआ है वो, और जहाँ से लिक्विड इन होना है वहाँ पे उसका थोड़ा ओपन एरिया है वो ज़्यादा रहता है। तो जैसे यहाँ पे शाफ्ट पे इंपेलर है और इसका एरिया जो है ये है, तो ये जो एरिया है ना शाफ्ट से और इसके बीच का जो एरिया, ये इसको आई बोलते हैं, जहाँ से लिक्विड अंदर घुसकर इंपेलर के थ्रू बाहर जाता है, तो वो एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है, एरिया बहुत ही कम होता है। तो लिक्विड वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे एरिया बहुत कम होने के कारण वेलोसिटी बहुत बढ़ जाता है, वेलोसिटी बहुत कम बढ़ने के कारण वहाँ प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, तो यानी पंप का जो आई पे लिक्विड का जो प्रेशर है वो सबसे कम होता है। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि ये लिक्विड जो सक्शन लाइन है इसका ये 8 इंच का लाइन था सपोज कीजिए, और जो आई है जहाँ पे लिक्विड घुस रहा है पंप के इंपेलर में वो मान लीजिए 2 इंची का है, ठीक है, तो 8 इंची से 2 इंची में अगर डायमीटर कम हो रहा है, यानी डायमीटर 4 टाइम्स कम हो गया, यानी
एरिया जो है 16 टाइम्स कम हो गया, एरिया 16 टाइम्स कम हो गया तो यानी वेलोसिटी 16 टाइम्स बढ़ गया, वेलोसिटी 16 टाइम्स बढ़ गया यानी काइनेटिक एनर्जी 264 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 264 टाइम्स बढ़ गया तो अगर एनर्जी का जस्ट बैलेंस करें तो काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ा है तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, इसीलिए जो आई है वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ पंप में प्रेशर का जो वेरिएशन है, तो मान लीजिए सक्शन प्रेशर ये है, सक्शन प्रेशर ये है, आई के पास प्रेशर बहुत गिर जाता है। ठीक है, और आई के पास प्रेशर जहाँ से गिरा उसके बाद तो फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण उसका प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूट में जाके प्रेशर और बढ़ जाता है। वो तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है वो एक डिफरेंट कहानी है। तो अल्टीमेटली जो है वो प्रेशर बढ़ते बढ़ते सक्शन प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि डिस्चार्ज प्रेशर या जहाँ आउटलेट होता है पंप का वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज प्रेशर मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में अगर मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप का, जहाँ सक्शन प्रेशर ये है और डिस्चार्ज प्रेशर ये है, और मान लीजिए जो भी लिक्विड पंप हो रहा है उस मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे टी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कर्व से, वेपर प्रेशर कर्व से मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर आ रहा है मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक उसका वेपर प्रेशर हो गया, या 50 डिग्री सेल्सियस ही है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो उसका वेपर प्रेशर है। तो मान लीजिए कि ये इसका वेपर प्रेशर है, ये मान लीजिए वेपर प्रेशर है। तो अगर वेपर प्रेशर इस आई के पास जो प्रेशर है उससे भी कम है तो लिक्विड वेपराइज होगा ही, कोई कैविटेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वेपर प्रेशर जो है वो ये है, वेपर प्रेशर ये है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है, तब क्या होगा, लिक्विड जैसे ही सक्शन से इधर अंदर घुसने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड का जो है वेपराइज बबल होना बनना चालू हो जाएगा, बॉइलिंग होने लगेगा, वेपर बबल्स बनेंगे, और वेपर बबल्स बन के जैसे जैसे और प्रेशर कम होगा वो वेपर बबल और ग्रो करने लगेंगे, यहाँ तक आते आते सबसे बड़े साइज के वेपर बबल बन गए। उसके बाद फिर फर्दर आगे आ जाने से प्रेशर बढ़ने लगेगा तो वेपर बबल का साइज छोटा होने लगेगा, और इस पॉइंट पे जहाँ पे कि प्रेशर वापस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो है ना वो वेपर बबल जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे, इम्प्लोड होकर के वापस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे कैविटेशन, यही सबसे मेन कारण है कैविटेशन का। ठीक है, तो कैविटेशन क्या है, रैपिड फॉर्मेशन एंड सबसिक्वेंट कोलैप्स ऑफ कैविटेशन बबल यानी वेपर बबल। अगर यहाँ से यहाँ तक होने में ना बहुत कम टाइम लगता है एकदम, क्योंकि आई में घुसा जैसे वेपर बबल बना फिर आगे तो प्रेशर बढ़ता है तो तुरंत ही बबल जो है इम्प्लोड होकर के लिक्विड फेज में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो रैपिड फॉर्मेशन एंड सबसिक्वेंट कोलैप्स ऑफ वेपर बबल इज कॉल्ड कैविटेशन। आप समझते हैं कि कैविटेशन इतना डेट्रीमेंटल क्यों। देखिए कोई भी लिक्विड है ना अगर वेपर फेज में कन्वर्ट होता है ना तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, बहुत मतलब बहुत, जैसे अगर इवन वाटर के केस के लिए बात करें तो वाटर का अगर लिक्विड वेपर फेज यानी स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम 1600 टाइम्स बढ़ जाता है, 1600 टाइम्स। इसलिए जो ये वेपर बबल्स है ना इसको हम लोग कैविटी मतलब वेपर बबल्स जो है ना इसको कैविटेशन बबल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वेपर के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत दूर दूर है इसीलिए तो वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। तो ये एज इफ जैसे कैविटी है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, इस तरह से विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड फेज। तो ये जो वेपर बबल्स है ना इसको हम लोग कैविटेशन बबल भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने पे ये कैविटेशन बबल बहुत बड़ा हुआ। तो अब मैं एक जो मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे वेपर बबल बना हुआ है। ठीक है, अब बाहर से लिक्विड फेज है, ठीक है लिक्विड फेज है, तो यहाँ से किसी भी वेपर बबल पे जो फोर्सेज लग रहे हैं उसको अगर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि लिक्विड जो है बाहर से हर जगह पे उस पे फोर्स लगा रहा है, और वेपर के अंदर का भी जो स्टीम है जैसे वाटर के केस में वो भी फोर्स लगा रहा है वेपर बबल के बाउंड्री पे, और ये बैलेंस है। अब मान लीजिए लिक्विड का प्रेशर बढ़ने लगा जैसे जैसे आगे गया, तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ने लगा तो क्या होगा कि वेपर के ऊपर लिक्विड का प्रेशर जब बढ़ने लगेगा ना तो वेपर्स कोलैप्स होते जाएंगे, और अंत में क्या होगा कि इस सरफेस पे जो वीकेस्ट पॉइंट होगा ना उस पॉइंट पे क्या होगा कि वेपर बबल वहां पे फूट जाएगा। जैसे वेपर मान लीजिए ऐसे सर्कुलर था, जो वीकेस्ट पॉइंट है वहां पे धंसने लगा, धसते धसते यहाँ पे है वो फूट गया,
अब फूटने के कारण क्या है कि चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, खाली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो बाहर का लिक्विड जो है वहाँ पे खूब तेज़ी से रस होकर अंदर घुसेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ ही पे यह फूटा और यहाँ बाहर का लिक्विड एकदम तेज़ी से, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था ना, तो लिक्विड उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए तेज़ी से अंदर घुसा। तो क्या हुआ, अंदर घुस के जैसे ही इस एरिया को कवर करेगा तो अंत में क्या होगा, मेटल सर्फेस है वहाँ पर आके हिट करने लगेगा। तो आप समझना ऐसे है कि यहाँ पे ये यहाँ पे वेपर बबल बना था। अब जैसे ये वेपर फूटेगा ना, बाहर का लिक्विड हीट किया, अब जितना तेज हीट करेगा ना, इतना तेज़ी से आता है उस वॉल्यूम को करने के लिए कि बहुत भयंकर प्रेशर लगता है और बहुत फोर्स के साथ उस मेटल सरफेस को हीट करता है। ठीक है, तो बहुत फोर्स के कारण मेटल सरफेस को जब हीट करता है ना, तो इवन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल भी ना इरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इसी फेनोमेनन को ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो कैविटेशन वेपर बबल बना और जो बबल वापस जब फूटता है ना, तो बाहर का लिक्विड उस स्पेस को भरने के लिए जो आता है बहुत फोर्स से आता है और एकदम तोड़ देता है, एकदम तोड़ देता है पूरी तरह से। तो ये जो है कैविटेशन होता है। तो ये अब तो एक बात तो समझ में आ गया कि जब भी कैविटेशन होगा तो वहाँ पर भयंकर एक साउंड होगा जब वेपर बबल कोलैप्स होगा। इसलिए देखना जब कहीं पर लिक्विड जब सिर्फ फ्लैश हो रहा है, जैसे एलपीजी केस में किसी एलपीजी का को किसी लाइन से ले जा रहे हैं और उस वाल्व को पिंच कर दें, तो डाउनस्ट्रीम में प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वहां कोई आवाज नहीं होता है क्योंकि वो कन्वर्ट होकर रह जाता है, वापस वो लिक्विड फेज में आ नहीं पाता है, प्रेशर वापस बढ़ता नहीं। बट जहां पे वेपर कोलैप्स होकर के इंप्लोड होता है ना, वहां पे भयंकर आवाज होता है, नॉइज होता है, वाइब्रेशन होता है। तो इसीलिए अगर हम कोई पंप में कैविटेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या क्या सिम्टम मिलेंगे उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसको मैं मिटा देता हूं। कोई भी पंप में कैविटेशन होगा तो क्या क्या होगा, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया कि पंप में नॉइज होगा और वाइब्रेशन भी होगा, ये होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि पंप के थ्रू लिक्विड का फ्लो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जब भी वेपर बबल्स बनता है वो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, तो पंप का जो अंदर का एरिया तो है वो तो फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स है, और उसमें ज़्यादा वेपर बबल्स आ जाएंगे तो जो लिक्विड का मास फ्लो जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेंगे वही स्पेस। तो इसलिए जो है फ्लो जो है वो कम हो जाता है, फ्लो घट जाता है, लिक्विड का फ्लो घट जाता है। और एक्चुअली जो फ्लो होता है ना वो इराटिकली लो होता है, इराटिकली लो मतलब क्या है कि फ्लो कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तीसरा जो है प्रेशर अगर पंप का देखें तो डिस्चार्ज प्रेशर, तो प्रेशर जो है ना प्रेशर भी इराटिकली लो हो जाता है। वो क्यों, वो समझते हैं, लो हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है ये समझते हैं। देखिए कोई भी लिक्विड है ना, कोई भी पंप है, तो उसका एट ए गिवन फ्लो जो पंप कितना प्रेशर डेवलप करेगा वो पंप परफॉर्मेंस कर्व में जनरली हेड के टर्म में दिया रहता है, इतना हेड डेवलप करेगा। अब उस हेड को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पंप का प्रेशर मिल जाता है, पंप से जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो मिल जाता है। अब अगर उसके थ्रू अगर वेपर जाएगा तो वेपर का डेंसिटी तो बहुत कम रहता है, तो इसलिए उसका अक्रॉस जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो बहुत कम होगा, तो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए इराटिकली लो लिखा है, इराटिकली लो मतलब क्या है कि फ्लो कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, प्रेशर भी कम होगा ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए नॉर्मल प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर 10 केजी था, तो ये प्रेशर होगा 4 केजी से 7 केजी, 4 केजी से 8 केजी, 2 केजी से 8 केजी, ऐसे प्रेशर कम ज़्यादा होगा, मतलब नॉर्मल से कम में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो पंप में प्रॉब्लम नहीं होता, डाउन स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल से कम में प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो ये कैविटेशन का सिम्टम है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरली जैसे ही वेपर बबल्स बनेंगे, लिक्विड के थ्रू लिक्विड का जो फ्लो है उस पंप के थ्रू कम हो जाएगा। लिक्विड का फ्लो जैसे ही कम होगा तो क्या है कि सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा फ्लो कम होने से, तो वापस जो है थोड़ा देर के लिए कैविटेशन बंद होगा। कैविटेशन फिर बंद होगा तो फिर से वापस लिक्विड का फ्लो बढ़ जाएगा, फिर से वापस कैविटेशन होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, इस तरह से होता है। उसी तरह फ्लो कम होगा बढ़ेगा, फ्लो कम होगा बढ़ेगा, उसी तरह सक्शन प्रेशर जो है, सक्शन प्रेशर भी वही हाल है, कम होगा बढ़ेगा, नॉर्मल आएगा फिर सक्शन प्रेशर गिर जाएगा, फिर वापस थोड़ा नॉर्मल आएगा, ऐसे तो सक्शन प्रेशर भी कम ज़्यादा होगा।
पंप का जो एम्पियरेज है, जो करंट है, वो पंप जो है वो भी इरेटिकली लो होगा, एम्पियरेज इरेटिकली लो होगा। इरेटिकली लो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी पंप है वो कितना पावर ले रहा है वो उसको हम लोग कैसे बताते हैं? पंप जो पावर लेता है वो होता है रो क्यू जी एच डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। ये आपका जो है एक्चुअली मोटर जो है जितना पावर दे रहा है वो ये आएगा। तो आप देखिए पंप का फ्लो कम हुआ है, तो फ्लो कम होने के कारण करंट भी कम हो जाएगा, तो करंट भी जो नॉर्मल करंट लेता है उससे कम ज़्यादा होते रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो ये तो जो है सिम्टम्स हैं कैविटेशंस के, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये नॉइज़ है ना, नॉइज़ हमेशा नहीं होता है। नॉइज़ तब होता है जब एक्सट्रीम कैविटेशन हो, तभी बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत जो बबल्स बनते हैं ना वो उतना फूटते उतना नॉइज़ नहीं करते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा बबल्स बन के जब आगे जाके फूट रहे हैं तो बहुत नॉइज़ होता है। तो नॉइज़ ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, बट हाँ प्रेशर ज़रूर फ्लक्चुएट होने लगता है, फ्लो ज़रूर फ्लक्चुएट होने लगता है। कभी कभी कैविटेशन जब ह्यूज होता है ना तो पंप चल रहा है और प्रेशर एकदम गिर जाता है, फ्लो एकदम ही गिर जाता है, फ्लक्चुएशन और एक्सेशन कुछ नहीं, पूरा ही गिर जाता है। तो बोलते हैं कि मार्जिनली कैविटेशन नहीं हो रहा है, फुल कैविटेशन हो रहा है, इतना कैविटेशन हो रहा है कि अब ये वेपर बाइंड हो गया है, अब अंदर का जो वेपर बन गया है ना अब वो पंप आगे उसको पंप ही नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा वेपर बन गया है, इसलिए फ्लो ही जाना बंद हो गया है। तो इस ऐसे केसेस में क्या होगा, फ्लक्चुएशन नहीं, पूरा प्रेशर गिर जाएगा, फ्लो गिर जाएगा, करंट सब गिर जाएगा, ये एक साथ ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कैविटेशन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस वीडियो देखने के बाद आपको डेवलप हो गया होगा। इस कैविटेशन का बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैविटेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैविटेशन कैसे अवॉइड करते हैं, उस अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या पैरामीटर पे ध्यान देते हैं जिसके आधार पे हम लोग बोल पाते हैं पहले से कि इस पंप में कैविटेशन होगा कि नहीं। बेसिकली हम बात करेंगे NPSH का, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में बात करेंगे कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।